हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपको इग्नू EHI 01 के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रही हूँ, जो 2019 के लिए इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के पेपर और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट होगा। सो प्लीज़ सी द क्वेश्चन। आई एम एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सो मैं हिंदी टाइपिंग इतना फास्ट नहीं है, इसलिए मैं हिंदी क्वेश्चन बोल रही हूँ और इंग्लिश क्वेश्चन रिटन है। सो प्लीज सी द क्वेश्चंस एंड लिसन हिंदी क्वेश्चन। क्वेश्चन वन, 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन टू, 1947 से पहले भारतीय कृषि की क्या दशा थी? 1947 के बाद कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए क्या कदम उठाए गए? क्वेश्चन थर्ड, आजाद हिंद फौज पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन फोर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय पूंजीपति वर्ग के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन फिफ्थ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन सिक्स, आरंभिक सिख सुधार आंदोलनों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन सेवन, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को जन्म देने वाली स्थितियों की चर्चा कीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन एट, अनौद्योगिकरण की धारणा पर प्रकाश डालिए और भारतीय समाज पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नाइन, सविनय अवज्ञा आंदोलनों के आरंभ का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन टेन, क्रिप्स प्रस्ताव क्या थे? कांग्रेस ने उन्हें क्यों अस्वीकार कर दिया? क्वेश्चन इलेवन, खिलाफत आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन
क्वेश्चन 12, भारत के विभाजन की ओर ले जाने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 13, 1947 के बाद औद्योगीकरण के प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय राज्य ने क्या किया? क्वेश्चन 14, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलनों पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन 15, संप्रदायवाद शब्द की व्याख्या कीजिए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में इसके विकास पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 16, अकाली आंदोलन के उदय के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से यह किस प्रकार जुड़ा है? क्वेश्चन 17, गांधीवादी विचारधारा के मुख्य पहलुओं की विवेचना कीजिए तथा भगत सिंह और HSRA की विचारधाराओं की गतिविधियां की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 18, नाइनटीन ट्वेंटी और 1930 के दशकों में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत में किसान आंदोलनों संघर्ष का परिभाषा कीजिए। क्वेश्चन 19, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण और आरंभिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 20, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन 21, साइमन कमीशन पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन 22, राइट शॉर्ट नोट ऑन होम रूल लीग, धन की निकासी, संथाल विद्रोह, बंकिम चंद्र, भारत छोड़ो आंदोलन, रोल्ड अधिनियम, देन नेहरू रिपोर्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्वदेशी आंदोलन, 1857 के विद्रोह के कारण,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तेलंगाना आंदोलन, पूना समझौता, सेक्युलरिज्म। 1919 के संवैधानिक सुधार। क्वेश्चन 23। 19वीं शताब्दी के भारत में राष्ट्र चेतना के उदय पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 24। भारत में जनतांत्रिक विचारों के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन 25। असहयोग आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। मैं ये सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बोलना चाहती हूँ कि मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, मेरा टाइपिंग स्लो है, सो मैंने इसलिए बोला है हिंदी को। तो अगर कुछ इसमें गड़बड़ है तो प्लीज़ सॉरी, एंड प्लीज़ लर्न दिस क्वेश्चन पेपर। और आई बटन पे क्लिक करके आपको प्रीवियस सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।